विंडोज़ की मशीन मेरी बूट हो गई है और अब मैं उसको आर डेस्कटॉप की कमांड से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको उसने इनकार कर दिया। तो उस पर मैं फ़िलहाल VNC से एक्सेस करने की कोशिश कर राइट ओके VNC की वजह से हमें एक फ़ायदा ये हो गया कि मैंने अभी दूसरी मशीन पे अपनी VNC चलाया, इसी विंडोज़ मशीन पे, तो आर डेस्कटॉप हमें अवेलेबल हो गया। आप ये देखिए कि अब लॉग ऑन टू के अंदर हमें SMB डोमेन भी नज़र आ रहा है। ग्रेट, तो इसके अंदर मैं ये करना चाहूँगा कि इसको रूट से अगर मैं लॉग इन करूँ, रूट एंड पासवर्ड रेड हैट, जो कि मेरी SMB डोमेन का एक वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो इसने उसको ऑथेंटिकेट कर लिया है, लेकिन ये बता रहा है कि इट इज़ करंटली एडमिनिस्ट्रेटर इज़ करंटली लॉग ऑन टू दिस कंप्यूटर, ओनली करंट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग ऑन टू दिस मशीन। ओके, तो उसने हमें फ़िलहाल बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो VNC से हम उसको एक्सेस करते हैं, और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इस मशीन पे मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ बाकी कंप्यूटर्स या बाकी यूज़र्स को भी कि वो रिमोटली इस पे लॉग इन कर सकें। इसको मैं रिमोट में जाके अलाउ रिमोट डेस्कटॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सेलेक्ट रिमोट यूज़र्स, और ये सारे रिमोट यूज़र्स ये कहाँ से आए, ऐड और एडवांस, और यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा SMB डोमेन, और यहाँ पे मैं फाइंड करके इन सारे यूज़र्स को, जो मुझे अगेन लिनक्स के यूज़र मशीन का यूज़र नेम पासवर्ड देना है, रूट रेड हैट अपने डोमेन कंट्रोलर का, ये सारे वो अकाउंट्स हैं जो कि उस पर एग्जिस्ट करते हैं। इन सारों को मैंने ओके प्रेस किया, ओके कि ये सब रिमोटली इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ चूंकि आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लॉग ऑन कैसे करता है, और वो आपने अभी एक स्क्रीन देख ली आर डेस्कटॉप की, लेकिन स्टिल दोबारा इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसको मैं लॉग ऑफ करता हूँ, स्टार्ट लॉग ऑफ करंट यूज़र, लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके बाद ये मेरा सेशन क्लोज़ हो जाएगा। इसको मैं दोबारा आर डेस्कटॉप के थ्रू ट्राई करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारा SMB डोमेन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये मशीन इस वक्त संभा डोमेन की मेंबर है, और ये उसके यूज़र्स वगैरह को भी ऑथेंटिकेट कर रही है। मज़ीद डिटेल में आपको दिखाता हूँ। इसको लॉग ऑफ किया, ओके, और आर डेस्कटॉप से इसको एक्सेस करने की कोशिश की। ग्रेट, ये हमारे पास विंडो आ गई, और यहाँ से मैं इसको कहूँगा कि संभा डोमेन और रूट और रेड हैट के थ्रू इसको एक्सेस करें। और आप देख रहे हैं कि अब वो इसको अंदर लेके जा रहा है, और ये आपने देखा कि रूट जो यूज़र है वो अब इस सिस्टम पे लॉगिन कर गया है। ग्रेट, तो ओके, और यहाँ से अगर हम सर्च कर लें माय कंप्यूटर के थ्रू, मज़ीद चीज़ें अगर देखना चाहें तो लोकल डेस्क, और ये देखें Z ड्राइव आ गई ऑटोमेटिकली, ये संभा ने हमें अवेलेबल की है। Z ड्राइव है ये हमारी रूट की होम डायरेक्टरी PC1 के ऊपर, जो कि हमारा सर्वर है इस वक्त, डोमेन कंट्रोलर है। ये देखिए, ये वो प्रोफाइल्स की जो डायरेक्टरी थी, ये सारी वो चीज़ आ गई, ओके। और अगर मैं इसको लॉग ऑफ करूँ और किसी और यूज़र से अब लॉग इन करके, या रादर मैं मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ, नेटवर्क पर थोड़ी ब्राउजिंग करके देख लेते हैं कि नेटवर्क पर हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। एंटायर नेटवर्क, SMB डोमेन, और SMB डोमेन में हमारे पास WinXP और PC1 इस वक्त ये दोनों कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त डोमेन को जॉइन किए हुए हैं। तो अगर मैं PC1 पे इस वक्त जाऊं तो मुझे PC1 के जितने शेयर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। टेम्प का फोल्डर मुझे नज़र आ रहा है, ये उसमें मैं पहुंच गया।
फाइल मैंने अगर डिलीट करना चाही तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ग्रेट। तो आपने देखा कि किस तरह मैं एक डोमेन यूज़र से अब लॉगिन हुआ हूँ। मज़ीद हम किसी और यूज़र से लाइक आतिफ से लॉगिन करके देखते हैं कि वो हमें क्या चीज़ें शो करता है।